इंग्लैंड क्रिकेट टीम आईपीएल छोड़ देगी पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने के लिए। नाजरीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज आने वाली है, जिसकी वजह से इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जितने भी खिलाड़ी इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं आईपीएल खेलने के लिए, वो आईपीएल को अलविदा कर देंगे और इंग्लैंड वापस आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 22 तारीख को जो सीरीज शुरू होनी है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 की, वो खेलनी है। नाजरीन, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को कुछ सीखना चाहिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम से। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के भी खिलाड़ी आईपीएल खेलने के लिए गए हुए थे और उनको कुछ खास मौका भी नहीं दिया जा रहा था। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बेंचों पर बैठे थे और पानी पिलाने का काम कर रहे थे, वो फिर भी उनको पाकिस्तान नहीं लेकर आए। नाजरीन, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की बी टीम आई, वो अलग बात है कि हमारी टीम न्यूजीलैंड की बी टीम से सीरीज ड्रॉ करवा ली, 2 मैच हार गई। खैर नाजरीन, अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने तमाम खिलाड़ियों को बोल दिया है जो आईपीएल खेलने के लिए इंडिया में मौजूद हैं कि खबरदार कि आपने पाकिस्तान वाली सीरीज में शमूलियत अख्तियार ना की, आप फौरी तौर पर इंग्लैंड पहुंचे और रिपोर्ट करें, उसके बाद आपको इंग्लैंड क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाया जाएगा और फिर आप पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलेंगे। इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज का आगाज कब से होना है? नाजरीन, पहला मैच है 22 मई को, दूसरा मैच है 25 मई को, तीसरा मैच है 28 मई को और चौथा मैच है 30 मई को। उसके 4-5 दिन बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अमेरिका चली जाएगी। पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आयरलैंड जाना है, आयरलैंड के साथ हमारी 3 मैचों की T20 सीरीज है, और उसके बाद इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड साथ 4 मैचों की T20 सीरीज है। नाज़रीन, जो इंग्लैंड के साथ हमारी T20 सीरीज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने सारे प्लेयर्स आईपीएल से वापस बुला लिए हैं। अब उनकी जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम होगी पाकिस्तान के साथ T20 सीरीज में, वो बहुत डर्टी टीम होगी। नाजरीन, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ सीरीज में अपनी फुल पोटेंशियल टीम खिलाएंगे, क्योंकि नाजरीन पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज जब खत्म होनी है तो फिर बस वर्ल्ड कप शुरू हो जाना है। इंग्लैंड के पास भी वही आखिरी मौका है कि इंग्लैंड अपने खिलाड़ियों को सही तरीके से जांच ले, और पाकिस्तान के पास भी यही मौका है जो आयरलैंड के साथ सीरीज है, इंग्लैंड के साथ सीरीज है, कि पाकिस्तान भी अपने खिलाड़ियों को सही तरीके से जांच ले, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आने वाला है और इस वर्ल्ड कप में तो हर टीम इस तैयारी से आ रही है कि वर्ल्ड कप उसका है, बहुत कंपटीशन होने वाला है इस वर्ल्ड कप में। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।